When it comes to almonds, बादाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए. डेली बेसिस पे हमें नट्स जो है वो कंज्यूम करने चाहिए. ऑलमंड्स जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, हेल्दी फैट्स का. ओवरऑल ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसीलिए आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अमेजोन के 3 बेस्ट सेलर्स व्हेन इट कम्स टू ऑलमंड्स. बादाम के बारे में जब भी बात आती है तो ये 3 जो है वो बेस्ट सेलर्स हैं अमेजोन पे, और उन्हीं के बारे में आज मैं आपके साथ में ये एक्सपीरियंस जो है मेरा वो मैं शेयर कर रही हूँ. मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं रेव एक्सपो पर. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं. एक एक करके मैं एक एक कंपनी लूँगी और उसके बारे में मेरे को क्या अच्छा लगा, कुछ नहीं अच्छा लगा, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको रैंकिंग करके बताऊँगी कि मुझे किस कंपनी का बादाम जो है वो ज़्यादा ठीक लगा और किसका इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा. तो चलिए मैं शुरू करते हैं. अपन शुरुआत करेंगे ये हैप्पीलो कंपनी से, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट है. तो मेरे को इससे एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी. मैंने जब ये बादाम जो है वो ट्राई किया तो इतना स्वीट मुझे लगा, इतना पसंद मुझे आया ये बादाम. ये बादाम खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है. जब आप इनको इंडिविजुअल खाते ना, कि आज आपने ये हैप्पीलो का खाया, उसके एक महीने बाद आपने किसी और कंपनी का खाया, तब आपको उनके टेस्ट में आइडिया नहीं लग पाता. लेकिन मैं तो क्योंकि तीनों को टेस्ट करने के लिए मैंने इनको 1 by 1 करके खाया कि बस के टेस्ट को और वो क्रंचीनेस जो होती है उसको फिगर आउट कर पाऊँ. इसीलिए मैंने इनको तीनों को साइमल्टेनियसली जो है वो मंगा के आपके साथ में ट्राई कर रही हूँ. तो ये जो हैप्पीलो का बादाम है ना, इन तीनों में मुझे सबसे ज़्यादा स्वीट लगा. टेस्ट वाइज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया. यकीन ना हो तो एक बार खुद से आप ट्राई करके देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मुझे इसका बादाम बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगा, बहुत अच्छा लगा. लेकिन जो मुझे इसके बारे में एक चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये कि इसके जो बादाम है वो कंपैरेटिवली साइज़ में मीडियम है. बाकी के अगर मैं इसमें आपको एक कंपनी के बारे में और बताऊंगी, उसके बादाम जो है वो फिर भी थोड़े से इससे बड़े साइज़ के हैं. तो साइज़ वाइज जो है वो थोड़ा सा ये छोटा बादाम आता है. पैकेजिंग वगैरह ये बहुत अच्छी है. इसमें आपको ना ज़िपलॉक बैग मिल जाता है, तो आपको किसी और पैकेट में इसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. आपको यहाँ से आप ज़िप लगा देंगे और आप आराम से इसमें इसको रख सकते हैं. क्रंचीनेस की बात करें तो क्रंची भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगे ये बादाम. मीडियम से लगे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि कुछ बादाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रंची होते हैं, तो वैसा मुझे नहीं लगा. हल्का सा मुझे जो है वो सॉगी टेक्सचर लगा. लेकिन टेस्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. तो ये 200 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP है वो है 275 rupees, 275 rupees. और ये अमेजोन से मुझे 224 rupees का पड़ा है, 224 rupees का पड़ा है. तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया है, तो आप उससे भी परचेस कर सकते हैं. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन आई थिंक ये क्रंचीनेस थोड़ा ज़्यादा होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता. ऑल द साइज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट जनरली बोलते हैं कि जितना बड़ा पीस होता है बादाम का उतना ही ज़्यादा वो महंगा होता है. तो जस्ट कीप दैट इन माइंड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जो है वेदिका का. वेदिका के प्रोडक्ट्स बहुत सारे जो है वो पॉपुलर हैं. ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ में वेदिका के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, चाहे वो केचप हो, चाहे वो शुगर हो, या फिर बादाम, या फिर कुछ और चीज़. वेदिका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेजोन पे. तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ. तो सबसे पहली चीज़ तो इसका साइज़ जो है बादाम का वो मुझे कंपैरेटिवली छोटा लगा. क्रंचीनेस की बात करें तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं थे. प्लस मिठास मुझे बादाम में नहीं लगी, बहुत ही ज़्यादा फीके मुझे इसके बादाम लगे. और मुझे ओवरऑल ये वेदिका का बादाम मुझे नहीं पसंद आया. बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं वेदिका के जो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बट जो वेदिका के बादाम हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे अमेजिंग नहीं लगे. नाउ लेट्स मूव ऑन कि इसका प्राइस MRP क्या है और डिस्काउंट के बाद आपको क्या मिल जाता है. ये 200 ग्राम का पैकेट है, MRP इसका 300 rupees है, लेकिन अमेजोन पे आफ्टर डिस्काउंट आपको 279 rupees का मिल जाता है. और हैप्पीलो से कंपेयर करें तो हैप्पीलो जो है वो थोड़ा इससे कंपैरेटिवली चीप था और टेस्ट वाइज मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा डेफिनेटली इसके कंपेयर में. नाउ लेट्स मूव ऑन सोलिमो कंपनी. ये अमेजोन की ही खुद की कंपनी है. ये एक इस तरीके के पैकेट में आती है.
जिस तरीके से इन्होंने इस नट को पैक किया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप स्टॉक में सामान परचेस करके अपने घर पे रखना पसंद करते हैं, ये 250 ग्राम का पैकेट है, इसका MRP है 365 रुपीज, और Amazon पे ये जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 255 रुपीज का। डिस्काउंट आपको इस पे काफी अच्छा मिल जा रहा है, इवन सभी में सबसे सस्ता आपको यही पड़ रहा है, क्योंकि बाकी के जो है वो 200-200 ग्राम के पैकेट है, ये 250 ग्राम का पैकेट है। तो सबसे पहला इंप्रेशन मेरा था इसकी पैकेजिंग को लेकर, जो कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई। इन तीनों के कंपेयर में मुझे इसकी पैकेजिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। जब साइज की बात आती है तो इसकी जो बादाम का साइज है वो इन सभी में थोड़ा बड़ा है, अंतर बहुत ही कम है, बहुत ही माइन्यूट है, बट है इसका साइज जो है वो इन बाकी से बड़ा है। क्रंचीनेस की भी बात करें तो इसका बादाम इन बाकी के बादाम से ज़्यादा क्रंची है, आपको बहुत ज़्यादा देर तक इसको च्यू नहीं करना पड़ता है, जो कि मुझे इसकी एक बहुत ही अच्छी बात करी। लेकिन जब मेन चीज़ होती है व्हेन इट कम्स टू आलमंड्स, बादाम जो है वो मीठा होना चाहिए, स्वीट आलमंड्स बोलते हैं ना, वो चीज़ मुझे इसमें बिल्कुल मिसिंग लगी, मुझे बिल्कुल भी स्वीटनेस नहीं फील हुआ, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई नो ये थोड़ा सा क्रंची है, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइन्यूट है, जिसकी वजह से मैं इसको बहुत अच्छा नहीं बोल सकती। तो इसका मिठास बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा, काफ़ी बार मैंने इसको ट्राई करके देखा कि नहीं शायद नेक्स्ट पीस में थोड़ा स्वीटनेस होगा, नेक्स्ट पीस में होगा, बट ये बादाम जो है वो बिल्कुल भी स्वीट मुझे नहीं लगा, तो इसीलिए मुझे बादाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चलिए रैंकिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा दैट विल बी हैप्पी लो। इसका प्राइस भी सस्ता है, बादाम की मिठास मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्रंचीनेस यस थोड़ा सा कम क्रंची है एज कम्पेयर टू बाकी के प्रोडक्ट्स के, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है कि जो इसको नंबर वन से स्लिप करवा सके। तो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। दूसरा इसमें जिप लॉक बैग भी दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सेकंड विल बी डेफिनेटली वेदिका। वेदिका के बादाम का साइज थोड़ा सा छोटा डेफिनेटली है, बट स्वीटनेस जो है वो फिर भी जो सोलिमो का पैकेट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, सिर्फ उस वजह से मैं इसको जो है स्लाइटली ये नंबर टू पे आ जाता है। एंड द थर्ड विल बी जो सोलिमो का है प्रोडक्ट ये, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं लगती, ओवरऑल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। तो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसका अनबॉक्सिंग, उसका पर्सनल रिव्यू, आपको कैसा अच्छा लगा वो प्रोडक्ट, कितना ख़राब लगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको उस प्रोडक्ट के बारे में फील हुआ, उसका वीडियो जो है वो आप हमारे वेबसाइट revexpo.com पे शेयर कर सकते हैं। वहाँ से आपको मौका मिलेगा 30% कैश रिवॉर्ड जीतने का। revexpo का जो वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ revexpo के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।